दोस्तों एलविश यादव के मीटअप में इतने लोग आ गए जितने तो चुनाव के टाइम पर बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में भी नहीं आते, और ये चीज देखकर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी हैरान रह गए। जब एक साथ 4 लाख लोग सिस्टम सिस्टम पुकारने लगे तो पूरा स्टेडियम ही गूंजने लग गया, और सीएम साहब भी हैरान हो गए कि आखिर ये ऐसा सिस्टम क्या है जो लोगों को पागल कर रहा है। और दोस्तों यही नहीं बल्कि एलविश यादव के इस मीटअप को रिकॉर्ड करने के लिए खुद मुंबई से पेपराजी की टीम्स भी आ रखी थी, जो कि मुंबई के अलावा कहीं नहीं जाती। वो एलविश यादव के मीटअप को अटेंड करने के लिए, कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए गुड़गांव आ गई मुंबई से। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि एलविश यादव की क्या पावर है और क्या ही फैन फॉलोइंग है। लेकिन दोस्तों क्राउड इतना था कि जो बाउंसर्स बुला रखे थे टीम ने, उन बाउंसर्स से क्राउड संभल ही नहीं रहा था, क्योंकि दोस्तों एलविश यादव की टीम ने इतना नहीं सोचा था कि लोग 3-4 लाख आ जाएंगे और सिस्टम पूरा हैंग हो जाएगा, जिसके चलते उन्होंने बाउंसर्स जो सिक्योरिटी के लिए बुला रखे थे वो बुला रखे थे 150 से 200। लेकिन दोस्तों आप ही देखो कि 150 से 200 लोग क्या 3-4 लाख लोगों का मुकाबला कर सकते हैं क्या। और दोस्तों इसी के चलते जब इवेंट खत्म हुआ और एलविश यादव स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे तो भैया लोगों का जमावड़ा एलविश यादव की तरफ टूट पड़ा और सारे बाउंसर तितर बितर हो गए और सारे लोगों ने एलविश यादव को घेर लिया और बीच में फोटो पर फोटो खिंचाने लग गए, और ऐसा माहौल हो गया कि भैया ऐसा लग रहा था कि अब एलविश यादव घर ही नहीं जा पाएंगे। लेकिन फिर एलविश यादव की बाउंसर्स की टीम एक बार फिर से आई और उन्होंने जैसे तैसे करके एलविश यादव को बड़ी मुश्किल से वहां से निकाला। मतलब कि दोस्तों ऐसा क्रेज तो सलमान खान शाहरुख खान के लिए ही देखा गया है, जैसा कि आज एलविश यादव के फैंस ने एलविश यादव को दिखाया है। वाकई दोस्तों एलविश यादव ने केवल प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। बाकी दोस्तों आपको ग्रैंड मीटअप एलविश यादव का कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। साथ ही मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।